राजा आसान फेका, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ हटके करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये मेरी अकेले की कुछ नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम, मेरी मेंबर्स, मैं इसलिए हमेशा सारे मेंबर्स को लेके चलना चाहती हूँ। मीडिया में मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कौरल जी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे मेरी स्पॉन्सर्स जो विपुल जी, अनिल जी, सब लोग जो जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं सबको एक्नॉलेज करें, छोटा जय और जैसे जिस हिसाब से। मेरी ये चीज़ है, ये एक वेलकम है सबके लिए, एक प्लेटफॉर्म है, सब लोग आए जुड़े और कुछ अच्छा काम करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रहा था, बबुल सुप्रियो आने वाले थे, बट आज बजट उनका है, उन्होंने इस बार डोनेशन भेजा, उन्होंने बोला नहीं, आई विल टॉक टू यू और लेट्स डू समथिंग टुगेदर, तुम्हारा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो ये मैं चाहती हूँ, जो बॉम्बे में एक हमारे लिए जगह का बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार, अभी भारती मैम ने भी सपोर्ट कर रहे, बट जगह का, ग्राउंड का, तो हम चाहते हैं हम सब लोग एकजुट के, जो अपने अपने जगह में जो कर रहे हैं ठीक है, बट क्यों ना हम सब सारे एसोसिएशन जुड़ के कुछ करें। और मेनली मेरी यही इच्छा है कि बॉलीवुड में एक दिन ये चीज़ हो, जो बसंत पंचमी का दिन है, चलो सब छुट्टियाँ है, आर्टिस्ट लोग, शायंतनी है, नायरा है, काफ़ी जय भट्टाचार्य है, काफ़ी लोग हैं, निजा है, अपने लोग जो जुड़े हुए हैं, फिर शांति प्रिया जी आए हैं यहाँ पे, इतनी टैलेंटेड, मैं तो उनकी बहुत भक्त रह चुकी हूँ, वेरी गुड आर्टिस्ट, डीजे शेजुड है जो हमारे काफ़ी दोस्त है, तो क्यों ना हम लोग ये एक इनिशिएटिव ले लीजिए। कल बॉलीवुड में बड़े लेवल पे भी आर्टिस्ट बोले नहीं, आज बसंत पंचमी हम लोग एक दिन आराधना करेंगे माँ का, चलो ये सीसी में जाएंगे, पूजा करेंगे और इसके थ्रू में हम कुछ अच्छा काम करेंगे। ये मेरी इच्छा है, हमारे साथ जो किंग शुद्धा, विश्वनाथा, ज्योति जी, जो जितने लोग जो जिस कैपेसिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे तो हो रहे हैं, जाने टफ है, फंडर्स बहुत मुश्किल होता है, हम भंडारा भी आज यहाँ पे 500,000 लोग भंडारा में, भोग सबके लिए हमारा वेलकम है। कुछ इस बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे एग्जीबिशन लगाए, जैसे जया भट्टाचार्य एग्जीबिशन किया है, जो कुछ स्नैक्स उन्होंने अपने हाथ से बनाया और उनका जो भी यहाँ पे खरीद रहे हैं वो पूरी ओल्ड एज होम और एनिमल फाउंडेशन में जा रहे हैं। तो हमारे मकसद वही है, एक दिन मज़ा भी करें, इंजॉय भी करें, कल्चरल एक मोमेंट बनाए और कुछ अच्छे कॉज भी करें, दैट इज़ द मेन थिंग। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबके, आप मेरे शो की तरफ से क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट की तरफ से, थैंक यू। हमारी टीम से फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर कंग्रेचुलेशंस टू शोमू मित्रा फॉर सच एन इनक्रेडिबल इनिशिएटिव। सरस्वती पूजन जनरली वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम दी मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और हु आर एसोसिएटेड विद एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। गॉडेस सरस्वती इज़ कंसिडर्ड टू बी the goddess of wisdom, knowledge, speech, music, language, or any other form of art. So for people like us who are from the media entertainment industry or anyone from the field of art, ye ek sirf function nahi hai, ye hamare liye blessing hai. So I sincerely thank Creative Connection Trust and Shomu Mitra for this absolutely amazing blissful initiative. May Goddess Saraswati bless us all. Thank you. Yeah, I would like to wish first of all everybody a happy Saraswati Puja, and I would like to even tell all the best and really God bless them for the organization, for the trust, the what they are doing for helping out everyone. And musical is something which is very close to my heart, and I would love to see the performance of everyone's. Thank you. Thank you very much. I'm just kidding. Yeah. हमने जो पहला साल से चालू किया था तभी बहुत लॉन्ग जर्नी के हिसाब से चालू किया था, तो अभी 5 साल हम लोग पूरा हो रहा है, ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात है। हम लोग चाह रहे कि और 50 साल तक यही पूजा हम लोग बरकरार रखें, और ये क्रिएटिव कनेक्शन खाली हम लोग खाली पूजा में सीमित नहीं है, हम लोग और फ्रेंड बच्चे लोगों को सब साल भर हम लोग डोनेशन देते हैं, हम लोग उनको एडुकेशन का सब, मेडिकल का सब कुछ ही करते हैं।
तो अच्छा लग रहा है 5 साल पूरा होने से, देखते हैं और कितना साल आगे जा सकते हैं। सोमुदी का इंस्पिरेशन से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं साथ में, मैं 4 साल से हूँ और अभी कोशिश करेंगे और भी आगे हो। आज बपीदा भी आ रहे हैं, अनूप जी का भी शो है, आप सब लोग एंजॉय करिए। हम लोगों को ये 5 साल हो गया पूजा, पूजा में बहुत ही काफ़ी डेवलप किया है, आगे और डेवलप करना है। ऐसे काफ़ी लोगों को खाना वाना खिलाने का, वजन रखने का ये सब आयोजन किया है, आगे बड़ा करना है, सोच वही है, देखता हूँ कैसे कैसे। हाई, आई एम ज्योति, जय माँ सरस्वती। हम शोमू से अटैच है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ 5 years व्हेन दिस बेबी वॉज बॉर्न, एंड वी इंटेंड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम एज लॉन्ग एज आर हेल्थ परमिट्स अस। And of course, this is with a very good cause and very transparency. We are looking after even the street children and helping them in the old age home also. And once in a year, we have this celebration. That's it. Thank you. We have a lot of program. अनूप जी आ रहे हैं, बपीदा का सबसे बहुत बड़ा दिन है आज, जो 50 साल म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने बोला वी आल्सो गॉट नी रिप्लेसमेंट, यू नो ही जस्ट कम बैक फ्रॉम यूएस एंड हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, ही मेड द सॉन्ग लास्ट नाइट 2 o'clock, ही सेंड इट टू अस। इट्स रियली, ऐसे लेजेंड्स बार बार नहीं आएंगे। इन्होंने बोला नहीं नहीं, तकलीफ करके भी आई विल कम एंड टेक द ब्लेसिंग एंड मैं तुम्हारा बैंड एम्बेसडर हूँ, मुझे रहना चाहिए 5 साल में, तो दिस इज माई ब्लेसिंग। मैं 20 years back I started my journey from Kolkata to Mumbai, actor, director, producer, entrepreneur, whatever, but ये मेरी अकेली की नहीं है, हमारे साथ किंग शुभदा, विश्वनाथ का, ज्योति जी, जो भी लोग सब जुड़े हैं मेरी, मैंने मुझे एक दिन वही लगा नेपाल आर्टवेक के टाइम सोशल वर्क करते करते, जे ये अकेले नहीं कर सकता। बसंत पंचमी बहुत लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा जो शॉर्ट टर्म स्विट में मैं बात करूँगी, ये बसंत पंचमी सरस्वती पूजा जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आर्टिस्ट को पता ही नहीं है। दिस इज आई फील वेरी मच डिस्गस्टिंग एक्चुअली। और मुझे सिर्फ बपीदा के घर पे इसकी आशीर्वाद समझा लोगों का, हम लोगों ने आई ऑपरेशन, कैटरक ऑपरेशन की अरेंजमेंट किया लायंस क्लब के थ्रू में, तो ये सारी चीज़ है। 2 दिन उत्सव भी मनाते हैं, साथ में मिल के खुशियाँ भी बांटते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि खुद मुस्कुराओ, दूसरे को मुस्कुराने दो, खुशियाँ बाटो। तो यही चीज़ है, आप लोग आए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है, प्राइजेस है, एवरीथिंग। दोपहर को काफ़ी लोग भंडारा हुआ है, अभी भी बाहर में थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर में भी प्राइस 100-200 लोगों को हम लोगों ने प्रसाद बांट के आए। तो दिस इज द वे, आप लोग हमारे साथ आइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, सब लोग जुड़े हैं, जो भी कई चलते हुए राह चलते हुए कई लोग आते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं, बट बोलते हैं ना कारवा चलना चाहिए, तो मैं बहुत ही मुश्किल से गुजर के इस जर्नी सफल हो रही है, बट सबके लिए है, अकेले की नहीं। ये भी जो मेरे पास बैठी हुई है, ये इतना बिजी होते हुए भी कुछ स्नैक्स बनाए, जो उसमें से जो भी खरीदे वो भी जो भी होगा एनिमल फाउंडेशन और ओल्ड एज होम में, यहाँ पे कई लोग हाथ की चीज, ये सारी चीज आप लोग देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं से किसी से के साथ जुड़ा हुआ है, एंड टू डू समथिंग गुड वर्क। तो आवर इंटेंशन बसंत पंचमी बॉम्बे में हर घर में हर लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, जो इस बार हुआ है, जो बहुत ही नॉन बंगाली लोगों को मुझे वेलकम करना था, जो ये जो एंगल था, जो ये बंगाली प्रोग्राम है, नो नो नॉट एट ऑल। एंड मैं बचपन से आपकी बहुत ही एडमायर हूँ, अनुप्रिया मैम की भी बहुत एडमायर हूँ, आपको बुलाऊंगी, आप एक बार उठेंगे तो उन लोगों को पता चले हुआ यू, शी इज अ शांति प्रिया, शी इज अ सुपर एक्टर फ्रॉम साउथ एंड हिंदी, शी इज हियर विद अस एंड मेनी मोर इज कमिंग ऑल ओवर माय नेट एंड शी वाज अ फैंटास्टिक डांसर। मैं आज बहुत ही पता नहीं है कुछ, जस्ट माँ के लिए, दादा के लिए, कोई प्रैक्टिस नहीं है, छोटा सा आइटम करना है। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक्स टू माय ऑल मेंबर, थैंक्स टू माय ऑल स्पॉन्सर्स, ऑल सपोर्टर, लेट्स गो फॉर द वर्क एंड लेट्स गो फॉर द प्रोग्राम। लास्ट में फिर मैं सबको फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, सारे स्पॉन्सर सपोर्टर को, सारे लोग जो शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक ग्रुप सॉन्ग प्रेजेंट किया जाएगा क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट के मेंबर्स के द्वारा, और ये ग्रुप सॉन्ग लेके आ रहे हैं शुभांगी, पोलोमी, नंदिता, पिपाशा, सुलोकना, गौरी एंड रूना। वाओ, कैन वी हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। वुमेन पावर, यस, वुमेन पावर, पावर, वेयर इज द पावर।
और जया हमें थोड़ा फास्ट राजधानी में शुरू करना पड़ेगा क्योंकि टाइम एंड प्लीज कम फास्ट देन यू टू टाइम इज वेरी लेस वी कांट वेस्ट द टाइम शांति प्रिया जी हमारे फाउंडर मेंबर रॉयदा बाकी सब लोगों को सुलगना की सबकी बहुत बहुत थैंक्स और स्पॉन्सर्स को हम लोगों को दिखा रहे थोड़ा टाइम कम है हम लास्ट में बोलेंगे पहले भी बोला है फोटोग्राफर दादा यहाँ पे जो भी हो रहा है इमीडिएटली ले लीजिए बाद में ले क्योंकि वी हैव टू गो फॉर द परफॉर्मेंस नाउ जया वी हैव जस्ट 2 hours टाइम एंड मेनी आर्टिस्ट थैंक यू सर ओके एंड नाउ थैंक यू वेरी मच आर वी डन हो गया ये लवली थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट टू यू प्लीज कीप अप द गुड वर्क शोमू मित्रा ने क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट शुरू किया अब 5 साल हो गए हैं उसको हम सबको एक साथ जोड़ने में शोमू का बहुत बड़ा हाथ है फिर चाहे वो बंगालीज हो या नॉन बंगालीज क्योंकि ये फेस्टिवल जो है बसंत पंचमी और माँ सरस्वती का की अर्चना पूजा वो सिर्फ बंगालियों का नहीं है सबको इसमें शरीक होना चाहिए सबको विद्या देवी के साथ होना चाहिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट जो है वो सिर्फ पूजा अर्चना नहीं करती है वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करती है ऑफन के बच्चों के लिए ऑफनेज के बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई का इंतज़ाम करवाना उनकी कॉपी पेंसिल्स वगैरह का जुगाड़ करवाना ज़रूरतमंद लोगों की दवाइयाँ करवाना जैसे यहाँ पर लायंस क्लब का भी स्टॉल लगा हुआ है फॉर कैटरैक्ट ऑपरेशंस and they are giving chashmas also you know and bahut kuch hai jo creative connection karna chahta hai and main bahut proud feel karti hu ki main is trust ke sath judi hui hu aur shomu meri dost hai and jo hamare baki sare committee members hain unke sath bhi jude hone par mujhe bahut garv hai sab ke sab ek sath milke agrasar ho rahe hain jeevan ke path par aur ऐसा कदम बहुतों को उठाना चाहिए सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है ना मोस्ट वेलकम थैंक यू सोमू मित्रा जो ये कर रही है मेरी दोस्त है
और ये क्रिएटिव कनेक्शन के ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए मैं उनके साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, आपको मालूम है अम्बे माँ का हम फंक्शन करते हैं बरसों से, नवरात्रि करते हैं बोरीवली में 11 साल से, और ये सरस्वती माँ का इतना बड़ा फंक्शन सोमोमित्रा कर रही है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हमारी जो फ्रेटर्निटी है जिसको म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, हम लोगों की आप कह सकते हैं कि ईस्ट माता सरस्वती ही हैं, और हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। और जैसे कि ये ट्रस्ट शोमू का है, जो क्रिएटिव कनेक्शंस, ये हमेशा से सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते, तो मैं हमेशा ही इस इवेंट का पार्ट बनता हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मुझे सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा के टाइम पे शोमू का इनविटेशन आता है, सो आई फील ऑलवेज गुड, और इन लोगों का जो ये वर्क है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। उनका एक मंत्र है जो हम लोग मैंने अभी पिछली एक फिल्म में कंपोज किया था, मैं वही उसकी लाइन सुना देता हूँ आपको। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभर्तिभिर देवई सदा पूजिता, सा मांग पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। I really, first of all, I have to congratulate her double, because she's a solo person, solo lady, who's really pulling this whole system of Saraswati Puja ahead. Now we all celebrate Durga Puja and all the pujas, but Saraswati Mata is the goddess of art, literature, learning, everything, of knowledge. So Ganpati is celebrated, Durga Puja is celebrated. We should all worship Saraswati Ma, because that's all our arts and everything comes through her. And it's very nice that Shomu has been doing it, and this is the 5th year running, and I'm quite happy to be associated. The Om Puri Foundation supports Shomu's creative connection, because it is all for a very good cause. Thank you very much. Thank you. विजुअल्स विजुअल्स ले लो। कौशल, एक बूमरैंग बनाना, कवरिंग देम। खाली बूमरैंग बना के उसको सेव कर दे, बूमरैंग बना के सेव कर दे। मेरे मुंह से ज्यादा नीचे नीचे।
जी पूजा का, यू आर फ्रॉम इंडस्ट्री, ये आर्ट की दिल्ली मानी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सी, मैं बंगाली हूँ, सो बचपन से हमें सिखाया गया है कि माँ सरस्वती का बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान है हमारे ग्रोथ में, एजुकेशन में, म्यूज़िक में. और आप लोगों को पता ही है बंगाली कल्चर कैसे होता है कि बचपन में एक स्लेट और चौक दे दिया जाता है और उसी को सरस्वती मान के हम आगे चलते हैं हारमोनियम के साथ. एंड क्रिएटिव कनेक्शन मेरे लिए तब से है जब से मैं बॉम्बे लैंड हुई हूँ 14 साल पहले. शोमू मित्रा इज पार्ट ऑफ माई फैमिली, शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, गार्डियन, एन एंजल गार्डियन. इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे लैंड हुई थी द फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज शोमू दी. तो कनेक्शन तो बहुत पुराना है और माँ सरस्वती और शोमू दी दोनों मुझे इसी तरह ब्लेस करते रहे एंड आई शुड कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग ऑलवेज इन द इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच. थैंक नहीं, इट्स अ गुड इनिशिएटिव. मैं शोमू को काफ़ी सालों से जानता हूँ एंड दिस इज़ द फिफ्थ ईयर और मेरी भी पांचवी बार है यहाँ पे. तो ऑलवेज देयर फॉर हर, ऑलवेज सपोर्टिंग हर, दोस्त है एंड अच्छा काम करती है, सो इट्स गुड. थैंक यू. प्यार से शोमू ऑर्गेनाइज करती हैं और हम सब कलाकार सरस्वती माँ के भक्त हैं, उन्हीं के स्वरों को गाते हैं, जो उनकी देन है वही प्रस्तुत करते हैं. तो हम सब यहाँ आते हैं और इसका मज़ा लेते हैं और आज भी मैं हाजिर हूँ, गाऊँगा. और भी बहुत से कलाकार हैं, सभी आते हैं, सब गाते हैं और सब बड़ी खुशी से आते हैं, अपने मन से आते हैं. रोज़ होने चाहिए. इस बहाने सब कलाकार मिलते हैं और गाते हैं, रोज़ होना चाहिए. मेरे तरफ से अगर आप बिग बॉस की बात करें तो मैंने कभी देखा ही नहीं है. आपकी काम की बात करें, वो भी तो काम ही था, मज़े करके आए उसमें. और जहाँ तक फिल्म्स की बात है तो फिल्म बन रही है, वो मेरी स्टूडेंट है. प्रोग्राम्स की बात है तो रोज़ कॉन्सर्ट हो रहे हैं, आज यहाँ हैं, कल बस्ती में है, गोरखपुर जा रहे हैं, परसों अहमदाबाद पहुँच जाएंगे. तो संगीत और टी वी शोज़ सब एक साथ हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है. और आप बिग बॉस के हिस्सा रह चुके हैं तो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस साल का बिग बॉस तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है. मैंने एक्चुअली बिग बॉस ना पहले देखा ना अभी देखा है, मैं सिर्फ खेला हूँ, कुछ नहीं देखा मैंने. कोई पर्टिकुलर फेवरेट भी नहीं है अंदर? क्योंकि देखा ही नहीं तो कैसे बताऊँ, मैं तो खेला हूँ और बहुत मज़े से खेला हूँ. ओके. बस के द्वारा इनको इंशु कौन जी
विश्वनाथ छात्र।